हरे कृष्णा, मैं हूं आचार्य सुमन मुखर्जी और मैं आपको स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल एस्ट्रोक्रेट्स पे सुमन में। देखिए, आज तक हमने जो भी डिस्कशन करे हैं वो आपके हथेलियों के बारे में और हथेली के विभिन्न पर्वतों के बारे में, उस पर विभिन्न रेखाओं के बारे में हमने डिस्कशन करी है। पर आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो है इसे जो है साधारण से साधारण व्यक्ति भी समझ सकते हैं। बहुत ही आसान है ये, और इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको हस्तरेखा या पामिस्ट्री की नॉलेज की जानकारी होना जरूरी नहीं है। आप अपने हथेली को, जस्ट हथेली को ऐसे देख के आप समझ सकते हैं, कोई भी समझ सकता है। आप मेरे कुछ अगर पिछले वीडियोज अगर देखेंगे तो आपको थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाएगा, अगर नहीं देखेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा और बहुत आसान है। और शायद आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि ऐसी भी जो है हस्तरेखा में जो है ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिससे जो है हम बहुत सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं एक व्यक्ति के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में। तो आइए चलिए, और हम विलंब नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जो हमारा जो हथेली है उसको देख के हमें क्या क्या समझ में आ सकता है। इन द सेंस हम पूरे हथेली को नहीं देखेंगे, हम खाली देखेंगे कि हथेली को ऐसे अगर हम रखते हैं, ऐसे इस तरीके से अगर हम रखते हैं इस तरीके से, तो इसमें जो है हमें क्या क्या समझ में आता है। देखिए, बहुत बारीकी से सुनिएगा, क्योंकि एक एक जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा भी अगर आप इसको अगर थोड़ा सा अलग समझ लेंगे तो वो जो है गलत मीनिंग करेगा। हमें जब भी फल कथन करना होता है तो पूरा हथेली को देख के, सारे पर्वतों को देख के, सारे उंगलियों को देख के, कलर को देख के, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो इन सब सारी चीज़ों को देख के, तो नेगेटिव फल कथन करने का पहले आपको बार बार सोचना चाहिए कि ये सही है या गलत है। एकदम से आपको किसी डिसीजन पे नहीं आना चाहिए। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके लिए जो है हमें दाया या बाया हाथ की जरूरत नहीं है। हालांकि आप दाएं हाथ दे सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये हमारा फंक्शनल हैंड होता है। तो अगर हमारा जो ये जो बुद्ध की उंगली है, जिसको हम जो छोटी स्मॉल फिंगर है, जो बुद्ध की उंगली है, और जो हमारा सूर्य की उंगली है जिसको हम एपोलो फिंगर बोलते हैं या जिसको हम अनामिका बोलते हैं, तो ये 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 इस उंगली और इस उंगली के बीच में अगर कहीं गैप आता है तो ये बताता है कि इस इंसान की जो है जिंदगी में जो है बुढ़ापा में, आई मीन ओल्ड एज में जो है पैसों के लिए तकलीफ आ सकता है या थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा जद्दोजहद करना पड़ेगा ओल्ड एजेस पे। यही अगर ये अगर सूर्य की उंगली और शनि की उंगली, जो मध्यमा उंगली है और जो अनामिका उंगली है, अगर उसके बीच में, जिसको हम रिंग फिंगर बोलते हैं और मिडिल फिंगर बोलते हैं, उन दोनों के बीच में अगर गैप आता है, जब आप हाथ को हथेली को ऐसे रखेंगे, ऐसे रखने के बाद अगर आपको यहाँ पे गैप दिखता है इन दोनों उंगली के बीच में और बाकी सब ठीक रहता है, इन दोनों के अगर बीच में गैप दिखता है, तो वो ये बताता है कि उस इंसान की जो मिडिल एज है, या जो रादर उस इंसान की जो जवानी है, उस समय उसको धन संपद इकट्ठा करने के लिए उसको अपनी जो है उसको थोड़ा जो है स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। धन आएगा, इसमें ऐसा नहीं है कि धन नहीं आएगा। अगर आपके हथेली के बाकी पर्वत ठीक है, अगर उंगलियां ठीक है, तो धन तो आएगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ये बताता है। हो सकता है धन आए और खर्चा हो जाए, ऐसे इस टाइप के सिचुएशन भी आ सकते हैं। हम अच्छी जिंदगी कब बोलते हैं, हमें सक्सेसफुल एक जिंदगी हम कब कहते हैं, ठीक है, हम सक्सेसफुल अपने आप को तब बोलते हैं या हमारी जिंदगी आसान कब रहती है। बेसिकली हम जो अब बोलते हैं ना कि आसान जिंदगी कब रहता है, जब हमारा एफर्ट्स कम रहता है लेकिन रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं या ज्यादा रहता है। 50% अगर हम एफर्ट्स करते हैं और अगर 50% उससे ऊपर अगर रिजल्ट आता है, तो उसको हम कहते हैं कि जिंदगी अच्छी जा रही है, स्मूथली जा रही है, आसान हो रही है। लेकिन जब हमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स करना पड़ता है, बहुत ज्यादा पराक्रम करना पड़ता है, मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन रिजल्ट अगर उसके हिसाब से कम आता है, तो हमें जो है वो कष्ट देता है, हमें वो तकलीफ देता है, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहता है, लेकिन रिजल्ट जो है, ये अगर एक्सपेक्टेशन है और ये अगर रिजल्ट है, तो दोनों के बीच में गैप रहता है, तो हमें तकलीफ होता है। तो उस वक्त जो है हमें ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, ज्यादा पराक्रम करना पड़ता है, बेसिकली ये बताता है। तो अभी हम देखेंगे कि जो मध्यमा उंगली है, जो शनि की उंगली है वो, और जो ये इंडेक्स फिंगर है, जो गुरु की उंगली है, उन दोनों के बीच में अगर गैप रहता है, तो वो बेसिकली ये बताता है कि इस इंसान की जो है, इस व्यक्ति का जो बचपन है वो बड़ा तकलीफ में बीता है, और उस इंसान के बचपन में जो है उसने जो है अपनी बहुत मुश्किल हालात देखे है, या फैमिली में जो है अच्छे टाइम नहीं रहे होंगे उस टाइम, पिता या माता या जो भी है घर में जो भी है। उसके बाद हम आते हैं अंगूठा। जो अंगूठा जो है वो हमारे हथेली में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो में अलग से करूंगा खाली अंगूठे के बारे में, जो हमारा थंब है उसके बारे में। आप थंब को देख के ही बहुत सारी चीजें जो है इंसान के बारे में समझ सकते हैं, उसके पर्सनैलिटी के बारे में समझ सकते हैं, उसकी जिंदगी के बारे में जो है बहुत सारे फल कथन कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इंडेक्स जो हमारा जो ये इंडेक्स फिंगर है, जो कि गुरु की उंगली है, और अंगूठा है। देखिए, अंगूठा अगर ये जो है हमारा जो हमारी जो उंगली है, बेसिकली ये एक
एक उंगली का जो है तीन पर्व रहता है बेसिकली। आपने देखा होगा जो उंगली में जो है तीन दागी रहता है, एक 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 ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, जिसको हम फैलेंज भी बोलते हैं। तो ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है, जो ऊपर वाला हिस्सा है जो आपका अभी दिख रहा है, जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसको फर्स्ट फैलेंज बोलते हैं, जो बीच वाला इसको सेकेंड फैलेंज, और जो नीचे वाला जो हिस्सा है उसको थर्ड फैलेंज बोलते हैं, या पहला पर्व, दूसरा पर्व, तीसरा पर्व, ऐसे बोला जाता है। तो अंगूठा जब किसी की गुरु की उंगली जो है, जो कि हमारा जो ये इंडेक्स फिंगर है, उसकी गुरु की जो है अगर थर्ड परत तक पहुंच रहा है, तो वो इंसान जो है जिंदगी भर, उसकी जिंदगी पर्यंत, आखिर जिंदगी का आखिर तक जो है उसको धन की कोई कभी कमी नहीं होने वाली। वो इंसान जो है राजा की तरह जिंदगी जिएगा, और उस इंसान को जो है दुआ सलाम करने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग उसको सम्मान करेंगे, उसको समाज में, देश में जो है बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा। ऐसी फलकथन हम कर सकते हैं। लेकिन अगर वही जो है हमारा जो अंगूठा है या थंब है, वो अगर जो थर्ड फैलेंज से नीचे खत्म हो रहा है, अगर कहीं पे नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उस इंसान की जिंदगी में जो है तकलीफ है, उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसको मेहनत करना पड़ेगा, और उसको मेहनत के बाद ही उसको जो है जिंदगी में वो धन संपदा उसको मिलेगा, उसकी जिंदगी तभी जो है आगे बढ़ेगी। इन एनी केस अगर जो है अंगूठा जो है अगर किसी का बहुत अच्छा है और वो जो है थर्ड फैलेंज को क्रॉस करके कहीं जो है सेकेंड फैलेंज के आसपास आ रहा है, यानी सेकेंड जो पर्व है उसके आसपास आ रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छा जो है निशानी है। अगर आपके हाथ में अगर ये चिन्ह है, तो आप ये मान लीजिए कि आप राजा की तरह जिंदगी जिएंगे। आपकी जिंदगी में कभी जो है धन संपदा के लिए जो है आपको कभी जो है सोचना नहीं पड़ेगा, कभी चिंता नहीं करना पड़ेगा। आपको धन जो है आपकी जिंदगी में आते जाएगी, आपको कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है पता नहीं चलेगा, लेकिन आपकी जिंदगी में आते जाएगी, और आप बहुत अच्छी जिंदगी जिएंगे। आपको समाज में जो है बहुत जो है सम्मान मिलने वाला है, लोग आपको बहुत मानेंगे, लोग आपकी सुनेंगे, लोग आपको बहुत सम्मान देंगे। आप राजा से भी जो है बेहतर जिंदगी, जिसको आज की डेट में हम बोल सकते हैं, ऐसी जिंदगी आप जिएंगे, ये बिल्कुल श्योर है। ये समझ लीजिए कि ऐसा कोई भी चिन्ह नहीं है, ऐसा कोई भी लाइन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पे ये बोला जाएगा कि नहीं इनको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। ऊपर वाला जब हमें भेजा है, हमारे हाथ पैर जो देके भेजा है, हमें एक अच्छे दिमाग, एक सेहत देके भेजा है, तो इसीलिए भेजा है कि हम यहाँ पे आके पराक्रम करें। उन्होंने भी इसलिए नहीं भेजा कि एक प्री स्क्रिप्टेड जो है लाइफ देखने के लिए उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने भी जो है हमारी जो कुंडली में जो हम जिसको टेंथ हाउस बोलते हैं, जिसको हम हाउस ऑफ कर्मा बोलते हैं, जिसको हम फ्री विल बोलते हैं, वो जो है वो हमारी जो है सेल्फ, इस जिंदगी में जो कर्मा है, जो हमारा क्रियामान कर्मा है, जो भी हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं उसके लिए भेजा है। तो ये जो हमें जो ये जिंदगी मिली है, हमें अच्छे कर्म करने के मिले हैं, अच्छे पुण्य करने के लिए मिले हैं। हम जैसे जैसे अपना पुण्य करते जाएंगे, अच्छे कर्म करते जाएंगे, तो पुण्य इकट्ठा होगा। जैसे ही पुण्य इकट्ठा होगा, तो हमारी जिंदगी जो है बहुत सफल बनेगी और अच्छा होगा। पुण्य कैसे इकट्ठा होगा, जो कि हम जप तप करके कर सकते हैं, दूसरों की सहायता करके कर सकते हैं। वो सहायता जो किसी भी तरीके का हो सकता है, वो कोई फाइनेंशियल हेल्प हो सकता है, वो किसी की कोई अच्छा सुझाव देके या किसी को अच्छे मार्गदर्शन करा के भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे जो है चैनल को आप बार बार देखिए, और आप जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो क्या करेंगे, आप ज्ञान को बांटेंगे, और जब आप ज्ञान बांटते हैं, बेसिकली ज्ञान का दान करते हैं, तो आपकी जो आपको बहुत सारा पुण्य मिलता है। एक इंसान को जो है आप सही राह में ले जाते हैं, सही मार्गदर्शन कराते हैं। अगर हाथ को अगर आप ऐसे करते हैं, और ऐसे करने के बाद अगर आपको मान लीजिए सारे उंगली को बीच, यानी कि जो हमने जो है देखा कि जो रिंग फिंगर है और जो स्मॉल फिंगर है उसके बीच, या जो रिंग फिंगर है और जो मिडिल फिंगर है उसके बीच, या मिडिल फिंगर या और उसके बाद जो है इंडेक्स फिंगर है उसके बीच, अगर इन सारे जगह पे आपको गैप नजर आता है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी जिंदगी में पैसा तो आएगा, लेकिन पैसा जाते भी रहेगा। तो ये मैं बहुत बुरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ बहुत अच्छा भी नहीं है, क्योंकि जब तक आपकी जिंदगी में पैसा आ रहा है तो ठीक है, आपकी जिंदगी में वैसे कोई तकलीफ नहीं आने वाला है। लेकिन हाँ, आपको जिंदगी में जो है जीवन में पैसे का जो है इकट्ठा करने के लिए, धन संचय के लिए आपको थोड़ा दिक्कत आ सकता है। कहीं ना कहीं से धन जो है आपका निकलते जाएगा, किसी ना किसी तरीके से वो खर्च होते जाएगा, ये इस चीज को बताता है। ऐसे फल कथन हम कर सकते हैं। और एक चिन्ह मैं बताता हूँ, इसको बहुत अच्छी तरह सुनिएगा, कि आपकी जो स्मॉल फिंगर है, यानी जो छोटी वाली उंगली है, जो बुध की उंगली है, वो अगर जो सूर्य की उंगली है, यानी कि ये वाली जो फिंगर है ना, तो आपकी जो छोटी उंगली है अगर जो सूर्य की उंगली है उसकी जो है फर्स्ट फैलेंज से ऊपर तक जा रहा है, यानी कि जो है बुध की उंगली काफी लंबी है और सूर्य की उंगली का फर्स्ट फैलेंज तक ऊपर तक जा रहा है, और जो आपका बुध पर्वत है, जो बुध की उंगली है, जो स्मॉल फिंगर है, उसके नीचे जो माउंट है बेसिकली, उसको बुध पर्वत कहा जाता है। तो उस बुध पर्वत के नीचे अगर सीधी खड़ी रेखाएं है, यानी कि स्ट्रेट लाइन से ऐसे ऐसे करके तीन या चार या पांच या जितने भी है,
ठीक है। और अगर आपकी, जैसे मैंने बताया कि अगर बुध की उंगली लंबी है और थोड़ा सा जो है ऐसे कर्व लेके टुवर्ड्स जो है सूर्य की उंगली की तरफ जा रहा है, तो आप ये यकीन मानिए अगर आपके हाथ में ये निशानी है तो आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। आपका जो बिजनेस एक्यूमन है, जो आपकी जो व्यवसाय करने की जो दृष्टिभंगी है या जो जो आपका ज्ञान है वो बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं और आपकी ज़िंदगी में जो है पूरी ज़िंदगी में आपको कभी पैसे की तकलीफ नहीं होने वाली। पैसा आपकी ज़िंदगी में अगर आपको चाहिए, कल सुबह चाहिए तो आज रात को कहीं से आ जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन है तो भी ऐसा होगा, पैसे की वजह से आपकी कोई काम नहीं रुकने वाला, ये मैं आपको कह सकता हूँ। लिक्विड कैश है वो आपके पास आते जाएगा, उसमें आपको कोई कमी नहीं होने वाली। अगर आपकी ये सारे जब हाथ को आप ऐसे इकट्ठा करते हैं, ऐसे जब आप देखते हैं हाथ को सामने और ऐसे अगर आपको कहीं पर गैप नहीं नजर आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपको आपकी ज़िंदगी जो है स्मूथ सेलिंग होने वाला है और ये शुभ चिन्ह है। मान लीजिए, यकीन मानिए, ये बहुत ही शुभ चिन्ह है। और मैं बताना भूल गया, देखिए जब बुध की उंगली जब सूर्य की उंगली की तरफ जा रहा है, यानी इस साइड में डायरेक्शन की उंगली को छोड़ के अगर बाहर की तरफ जा रहा है टुवर्ड्स जैसे हथेली को छोड़ के इस तरीके से अगर जा रहा हो इस तरीके से, तो ये जो है बहुत ज्यादा खर्चा दिखाता है और ऐसे इंसान को जो है बिजनेस नहीं करना चाहिए, बिजनेस में लॉस दिखाता है अगर ऐसे इंसान बिजनेस करता है तो। और ऐसे इंसान को एक चीज और है, अगर इन दोनों उंगली के बीच यानी कि बुध की उंगली और सूर्य की उंगली के बीच में अगर गैप आ रहा है, तो ऐसे इंसान को जो है थोड़ा पैसा संचय कर लेना चाहिए अपनी जवानी में, क्योंकि ऐसे इंसान को, जैसे मैंने बताया आपको पहले ही शुरू में कि ऐसे इंसान को जो है ओल्ड एज में जो है पैसे की थोड़ा तंगी आ सकता है, पैसे के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना हो सकता है। देखिए जो अंगूठा है उसमें दो परत होता है, उसमें जैसे आप देखेंगे कि बीच में एक रेखा होता है और ऊपर का और नीचे का दो हिस्सा होता है। जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको हम उससे हम विल पावर देखते हैं, उसकी सोचने की ताकत देखते हैं, और जो नीचे का हिस्सा होता है जो अंगूठे के जो नीचे से लेके जो 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 जहाँ से अंगूठे का नीचे वाला हिस्सा है वहाँ से लेके जो बीच वाला हिस्सा है उससे हम उसको जो हम उससे हम लॉजिक पार्ट देखते हैं, उसकी तर्क शक्ति देखते हैं, उसकी जो लॉजिकल एनालिसिस है, जो एनालिटिकल माइंड है, जो लॉजिकल पार्ट है बेसिकली वो देखते हैं। तो इन दोनों में हिस्से में हम करते हैं कोई भी, अगर ये हिस्सा दोनों अगर सही तरह अगर इक्वली बटा हुआ तो सबसे बढ़िया चीज़ है, ये सबसे बढ़िया चिन्ह है, क्योंकि जब आपका लॉजिक और आपका विल पावर दोनों जब बैलेंस रहेगा, दोनों जब पर्याप्त परिमाण में रहेगा, तो आपको जिंदगी में सफलता है जो है अपनी आसानी से मिलती जाएगी। अगर आपकी आपकी मान लीजिए विल पावर कम है लेकिन लॉजिक बहुत है, तो आपको विल आप जिंदगी में जो है सोचेंगे बहुत लेकिन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप खाली उसमें तर्क लगाएंगे, लेकिन आपको विल पावर क्योंकि कम है तो आप एक्शन लेने के लिए आपको जो है अंदर से जो वो जो कॉन्फिडेंस है जो आप में विश्वास है वो नहीं आएगा। और अगर आपकी जो लॉजिकल पार्ट है वो छोटा है और अगर विल पावर ज़्यादा है तो आप काम तो कर लेंगे लेकिन काम करने के पहले जो है उसको बहुत ज़्यादा रीजनेबली सोचेंगे नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा आप इनडेप्थ एनालिसिस नहीं करेंगे। तो इसलिए दोनों हिस्सा अगर बराबर हो या एटलीस्ट अगर बराबर ना भी हो तो थोड़ा बहुत अगर दोनों में गैप हो तो चले तो अच्छी बात है, लेकिन अगर दोनों में बहुत ज़्यादा गैप है तो आपकी ज़िंदगी में किसी एक चीज़ों की ज़्यादा हो जाता है, यानी जैसे आपको पता है कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा बहुत कम भी अच्छा नहीं है, तो दोनों में अगर बैलेंस रहता है तो ये अच्छी बात है बिजनेस करने के लिए। अंगूठा जो है अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो ये बहुत ही अच्छी निशानी है। तो ये थी मेरी एनालिसिस हाथ के विभिन्न पर्वों के बारे में, हाथ के विभिन्न जो गैप्स होते हैं उसके बारे में कथन मिलेंगे। अगर कुछ नेगेटिव आ रहा है तो बिल्कुल घबराइएगा मत, जैसे मैं बताया नेगेटिव अगर आप आ रहा है तो आपको आपको सारी चीज़ें देखना पड़ेगा, आपके आपके पर्वतों देखना पड़ेगा, आपके उंगलियों की उंगलियां कैसे हैं, आपकी पर्वतें कैसे हैं, उसमें रेखाएं कैसे हैं, बहुत सारी चीज़ें देख के आप जो है फल कथन करना चाहिए। तो आप इसलिए बिल्कुल घबराइए मत, अगर ऐसा कुछ आपको लग भी रहा है तो आप किसी जो है पंडित के पास या किसी आचार्य जी के पास जाइए जिनको हस्तरेखा के बारे में बहुत अच्छी तरह पता है, उनसे आप पूछिए, वो आपको सही दिशा दिखाएंगे, सही मार्ग दिखाएंगे। अगर आपको कोई भी अगर आपके अगल बगल में कोई नहीं है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपको जो है पूरी एनालिसिस के साथ आपकी पूरी पाम की एनालिसिस आपको बताऊंगा, आपकी जो भी दिक्कतें हैं अगर कुछ दिक्कतें आ रहा है या आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मैं आपको क्लियर करूंगा। तो मैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके पास आते रहूंगा और आप मेरी वीडियो को मैं उम्मीद करता हूं क्योंकि आपकी आपको अच्छा नॉलेज मिल रहा होगा, आपको अच्छी जानकारी मिल रहा होगा, तो आप मेरी वीडियो को लाइक प्लीज़ कीजिए क्योंकि इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, बहुत मोटिवेशन मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि आप जैसे नॉलेज बांटेंगे तो किसी भी चीज़ को जब आप बांटते हैं तो उतना ही ज़्यादा वो आपके पास वापस आता है। ये लॉ ऑफ ये जो यूनिवर्स का लॉ है, लॉ ऑफ कर्मा है कि आप जितना बांटेंगे उतना ही आपके पास वापस आएगा। तो आप मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर
शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने करीबियों को बताएंगे, और जिससे उनको भी इन सब चीज़ों का फ़ायदा मिल सके। तो आपको अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उस पर डिस्कशन करूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, परमात्मा आप सबको खुश रखे, बहुत सारी खुशियाँ दे, आपकी अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा करे, इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। इस वीडियो में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा।